मैं वो और हमारा ये सिंह शराबी आदमी हेलो हाउ आर यू कैसे हैं आप सब वेल आई लुक सेक्सी एंड आई नो इट ऐसे क्यों देख रहे हैं आप लोग कभी इंसान को देखा नहीं क्या ओ, ओके समझिए मैं सॉरी थोड़ी सी पी है मैंने लेकिन आई एम नॉर्मल एंड सोबर। शराब पीना कोई बुरी बात नहीं है ये अच्छा होता है हेल्थ के लिए यू नो डॉक्टर्स कहते हैं इट्स मेडिसिन एंड इट किल्स कैंसर लेकिन साला डेली ले ली ना तो ये खुद ही कैंसर बन जाता है वेल <laughs> well, माई नेम इज़ विक्रम मिश्रा बॉर्न एंड बोटा इन नागरा एंड आई कम फ्रॉम अ ब्राह्मण फैमिली पिताजी मेरे पंडित थे पंडित यू यू नो पंडित छोटी हिंदू परिष्ट प्योर yes. वेजिटेरियन इसलिए दारू और नॉन वेज खाना तो दूर सोचना भी पाप है लेकिन अपनी दिन की शुरुआत तो लॉलीपॉप से होती और चिकन चिल्ली से खाता हूँ <laughs> चिकन चिल्ली से याद आया इधर चिकेन चिल्ली मिलेगा क्या हाँ भाई ए, एक प्लेट चिकन चिल्ली बोलना प्लीज बोलना <laughs> जुगाड़ में साथ में ले गया मॉल बनाने का ये दारू नहीं है मैडम नहीं ये मेडिसिन है मेडिसिन माय बॉडी एंड सोल <laughs> वैसे दोस्ती भी अभी हाल फिलहाल ही हुई है बचपन में मैं दारू नहीं पीता था बूश पीता था <laughs> बचपन <बुश्ट. laughs> से याद आया बचपन से मेरा सपना था कि देश के लिए कुछ करूं hmm. डॉक्टर बनना चाहता था ताकि गरीबों का इलाज फ्री में करा सकूं अपनी माँ को पैसे की कमी की वजह से मैंने मरते देखा था ना हाँ एक पंडित बेचारा कितना कमाता और हर हफ्ते ये डायलिसिस के लिए पैसे कहाँ से लाता नौ साल की उम्र में ही समझ आ गया था कि बेटा बाप बढ़ाना भैया सबसे बड़ा रुपया हम्म बोल रहे हैं इसलिए पढ़ना जरूरी था पंडित ने बना यू नो आई स्कोर 96 सिक्स परसेंट इन टेंटी फोर परसेंट इन ट्वेल्थ नहीं ये ट्वेल्थ से याद आया मैंने बियर पहली बार ना ट्वेल्थ में चखी थी <laughs> लव है ना लव अरे ये लव पराजर नहीं ये विस्की पीता बियर नहीं पीता ये <laughs> लव मेरा दोस्त लव लव खन्ना hmm. उस साले ने मुझे जबरदस्ती टॉनिक कहके पिलाई थी साला इतना घटिया टेस्ट न लगा किसी ने गौमूत्र पिला दिया पूरी टेस्ट बर्ड की मा बहन कर दी थी साले ने इसलिए नाउ आई ड्रिंक ओनली विस्की इट्स लेस रिस्की स्मूथ एंड सेक्सी ये, ये सेक्सी से याद आया जब मैं एम बी बी एस की तैयारी कर रहा था ना तो मेरे कोचिंग में एक से एक लड़कियाँ आती थी सब की सब हॉट हीरोइन जैसी <laughs> मे, मेरे सारे दोस्त उन्हें लाइन मारते थे लेकिन मैंने ये सब काम कभी नहीं किया नो अरे फोकस ख़राब हो जाता ना और फिर और फिर गर्लफ्रेंड बनाता तो पैसे खर्च करने पड़ते साला ये खिलाओ वो खिलाओ मूवी दिखाओ शॉपिंग करा भाई इसके साला उस वक्त ना जेब में पैसे होते थे और ना ही वक्त पर अभी साला कोई मिलती नहीं अभी मिलती तो रोज़ महफिल जमती मैं वो और हमारा ये <laughs> ये ये दारू सिगरेट लड़की इन सब से पहले मैं बहुत दूर रहता था चौबीस घंटे दिमाग में सिर्फ पढ़ाई 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 मेडिकल <laughs> की एग्ज़ाम में मैं लगातार चार साल बैठा फोर इयर्स लेकिन चार साल मेरा लिस्ट में नाम ही नहीं, नहीं। है क्यों पूछो क्यों साला ऊँची जाति में पैदा हुआ था ना हमारे <laughs> लिए बो कौन बोल रहा भाई इधर हाँ सही बोल रहा भाई हमारे लिए साला कोई रिजर्वेशन ही नहीं <laughs> मुझसे कम मार्क्स लाने वाले लड़के डॉक्टर बन गया पर मैं साला वहीं का वहीं लड़ता रहा अपनी किस्मत से और अपनी मेहनत से <laughs> पिताजी कर्ज में डूब गए और दिन चले गए अरे बाहर नहीं ऊपर गए हाँ इस आस में कि बेटा डॉक्टर बनेगा पता है पढ़ाई ना एक तरह का बिजनेस है जहाँ रिटर्न से पहले आपको इन्वेस्ट करना पड़ता है और एक पंडित जो घर घर जाकर लोगों का पूजा कराता कितना इन्वेस्ट करता एक रात मैं ऐसे ही हार कर अकेले बैठा था रो रहा था मैं तो मुझे ना वो लव की उस की याद आई <laughs> उसको पीने के बाद ना नींद बड़ी मस्त आई थी <laughs> और तब से इसकी मुझसे दोस्ती हो गई <laughs> इस जब तक इसकी बाहों में होता हूँ ना <laughs> दुनिया बड़ी मस्त दिखती है <laughs> इसको पीने के बाद ना पिताजी का कर्ज नज़र आता है ना माँ की वो तकलीफ और ना ही अपने सपनों के टूटने का दर्द <laughs> जब तक इसकी बाहों में रहता हूँ दुनिया रंगीन है <laughs> मैं हकीकत में आने ही नहीं चाहता क्योंकि हकीकत बहुत डरावनी है <laughs> लोगों ने ना बहुत ज्ञान दिए देते हैं फ्री का देते ऐसा है, देते हैं टीचर बन जा नौकरी कर ले कोचिंग स्टार्ट कर ले साला वो क्या जाने कि सपनों के टूटने का दर्द क्या होता है <laughs> वो भी तब जब आपका पूरा घर जला हो उसमें आज नौकरी करता हूँ मैं करता हूँ पंद्रह हजार है मेरी <laughs> लेकिन आज पता है मैं सिर्फ विक्रम मिश्रा हूँ दा डॉक्टर विक्रम मिश्रा नहीं मुझे मुझे ये कास्ट सिस्टम से प्रॉब्लम नहीं है नहीं। मुझे इस रिजर्वेशन से प्रॉब्लम है मेरिट पे दो ना साला नाला तो, कास्ट से लोगों के हुनर को क्यों तोलते हो हम किस जाति में जन्म लेते हैं इसमें हमारा कोई योगदान नहीं है पर हम एक जर अच्छा भविष्य जरूर बना सकते हैं तुम साला मौका तो दो, दो दे दे नहीं हो बट ये चिकन चिली बोला था आया क्या नहीं है तो मैं जाता हूँ